यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सर्जन ने मानवता व अपने दायित्वों की मिसाल पेश की है। प्रसव के बाद मेडिकल स्टाफ की गलती से गरीब परिवार में जन्मे नवजात की जान पर बन आई। प्रसव के दौरान नवजात के पेट में ब्लेड लगने के कारण उसकी आंतें शरीर से बाहर आ गई थी, लेकिन सर्जन ने एक घंटे के ऑपरेशन से बच्चे को नई जिंदगी दी है। सर्जन ने यह ऑपरेशन फ्री में किया। जन्म के बाद 12 घंटे तक मौत से जूझता रहा नवजात जौनपुर के ससौड़ा गौराबाद शाहपुर निवासी अश्विनी कुमार की पत्नी गर्भवती थी। गुरुवार को अश्विनी की पत्नी प्रतिमा ने एक नवजात को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के दौरान गलती से मेडिकल स्टॉप से नवजात के पेट में ब्लेड लग गया, जिससे उसका पेट फट गया और आंत बाहर गई। यह देखते ही डॉक्टरों के हाथ पांव फूल गए, उसे भी एचयू रेफर कर दिया। इससे नवजात बच्चे के जन्म की खुशियां कफूर होगी। परिजनों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे वाराणसी भी एचयू जा पाते। परेशान हाल परिजन नवजात को लेकर सिद्धार्थ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सीनियर सर्जन डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ के पास पहुंचे। उन्हें अपनी पीड़ा बताई। डॉक्टर सिद्धार्थ ने तत्काल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, परिजनों को सांत्वना दी। करीब 12 घंटे के जन्मे बच्चे की 1 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद जान बच गई। परिजन ने इस सफल ऑपरेशन पर डॉक्टर को धन्यवाद दिया। लोग भी डॉक्टर की दरियादिली की तारीफ कर रहे हैं।